अब जरा साइलेंट होकर इधर तवज्जो दें, मैं ऐसा टॉपिक सुना रहा हूं जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं वो बिल्कुल खामोश होकर ये मिसरे सुने। कमाल ये हुआ कि मेरे बाबा, मेरे वालिद साहब अच्छे खासे, एक दिन पहले मैं नागपुर आया और अगले दिन हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल फरमा गए। उनसे भी मिल नहीं पाया मैं। ऐसा ही मेरी वालदा के साथ हुआ कि एक दिन पहले हॉस्पिटल में अच्छी खासी थी, अभी 4 महीने पहले, और मैं प्रोग्राम में गया और उनका इंतकाल ऑन ऑपरेशन। तो ये तड़प जो है ये दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। मेरी गुजारिश है तुम्हें अपने माँ बाप की कसम 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। जो अपने माँ बाप से प्यार करता है वो खामोशी से सुन ले ये मिसरे। आप इधर तवज्जो दें, पूरी रात का जूस है इन मिसरों में। तो एक तड़प जो है दिल की, ये एक औलाद ही समझ सकती है जो माँ बाप बिछड़ जाते हैं। जो लायकमंद औलाद होती है उनके लिए ये माँ बाप हर नेमत से बढ़ के नेमत है। तो मैंने 4 मिसरे वालदा के लिए पढ़े अदनान कानपुरी साहब के। कहते हैं कि आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। लेकिन अपना दीवार कोई और ना दर बाकी है, फिर भी महसूस ये होता है कि घर बाकी है। हार जाऊं मैं कोई जंग ये मुमकिन ही नहीं, जब तलक माँ की दुआओं का असर बाकी है। ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है। मिलने को तो मिल जाती है दुनिया में हर एक शय, माँ बाप जैसी चीज जमाने में नहीं है। और ये 4 मिसरों ने तो हद कर दी। जरा थोड़ी तवज्जो दे दें सिर्फ कि बहते आगोश में फिरदौस नुमा घर निकला, छातियों से कभी जमजम कभी कौसर निकला। जिंदगी बीत गई हक ना अदा हो पाया, माँ के एक दूध का कतरा भी समंदर निकला। और ये 4 मिसरे तो बेहद पसंद है। ये भी मेरे साथ हुआ अभी कि जरूरी है खंजर हिफाजत की खातिर, दुआओं का तुम आसरा लेके निकलो। ये माना के जिंदा नहीं माँ तुम्हारी, पड़ोसी की माँ से दुआ लेके निकलो। खुशियों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आए तो बच्चे नहीं आते। अरे किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आते। लेकिन ये 4 मिसरे सुने कि सादगी प्यार मुरव्वत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। लेकिन अशरफ भाई आजकल का मुआशरा जरा गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है, अब के बच्चे बीवियों के जाल में रहने, अब के बच्चे बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी की धूप में जिनको थे ये छप्पर अजीज, मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे, मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल
डॉक्टर मनोहर राणा साहब फरमाते हैं कि बहुत जबरदस्त मिसरे हैं ये, मुसलसल आंसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती, हवा सबके लिए ये मौसमी अच्छी नहीं होती। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना। देखिए मुदस्सिर भाई, हमारे लिए शहजादी कौनैन जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का मर्तबा जो है वो एक मखदूमा कौनैन का मर्तबा है। आप आकाजादी हैं, हमारी आका व मौला हैं, तो मेरी एक दुआ है इन दो मिसरों में, ये बताओ अपनी माँ से कौन कौन प्यार करता है। अब तुम्हें अपनी माँ की कसम है कि किसी से ना बात करना ना इधर उधर देखना, सिर्फ दो मिसरे इधर देख कर सुन लो, साइलेंट होके तवज्जो चाहूंगा। जन्नत में फातिमा की कनीजे जहां रहे, जन्नत में फातिमा की कनीजे जहां रहे, जन्नत में फातिमा की कनीजे जहां रहे, मेरी यही दुआ है मेरी माँ वहां रहे। फातिमा की कनीजे जहां रहे, मेरी यही दुआ है मेरी माँ वहां रहे, मेरी माँ वहां रहे। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे, मेरी यही दुआ मेरे बाबा वहां रहे। अलग प्यार है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, मामू हैं, चाचा हैं, सब अपनी जगह, सारे रिश्ते हैं अपनी जगह, सबका अपना अलग प्यार है, माँ से बढ़कर कोई दूसरा, सबका अपना अलग प्यार है, सारे रिश्ते हैं अपनी
सबका होना अलग प्यार है, माँ से बढ़कर कोई दूसरा, माँ से बढ़कर कोई दूसरा। बेवफा को गले से ही लगा लिया, क्या बात है। बेवफा के नाम से बड़ी आवाजें आ रही हैं भाई। अफसोस बेवफा को गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। कोशिश तो उसने की थी मेरे कत्ल की बहुत, मुझको तो मेरी माँ की दुआ ने बचा लिया। आखिरी शेर सुनिए, और ये मैं अपने माँ बाप की नजर कर रहा हूं, क्योंकि जो तड़प जो शौकत भाई दिल में वलवले हैं। मुनव्वर राणा साहब कहते हैं कि और कुछ रोज मेरा बोझ उठा लो बेटे, फिर गए हम तो मैं असर नहीं होने वाले। तो ये आखिरी शेर मैं खास तौर से तवज्जो चाहूंगा ये आखिरी शेर पर। ये भी तड़प होती है कि बेचैन हो रहे हैं कि आवाज तो सुने, इसलिए तवज्जो चाहूंगा। रास्ता तेरा तकते हुए रे मारी आंखें भी पथरा गई, अब तो आजा खुदा के लिए, अब तो आजा खुदा के लिए। धड़कनों का भरोसा नहीं, अब तो आजा खुदा के लिए। धड़कनों का भरोसा नहीं, अब तो आजा खुदा के लिए।
जनाब अजीम नाजा साहब ने ऑन स्टेज मुझे ये शेर लिख के दिया था जो मैं ये शेर पढ़ रहा हूं। समझ भाई सुनने वाली बात है। उससे पहले जो मेरे एडिशन है बेवफा वो बेवफा दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा ना करेंगे मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा ना करेंगे तुझको अगर इन मेरी निगाहों से गिला है जा दूर से भी अब तुझे देखा ना करेंगे